बता दें, दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठ रहे चक्रवाती तूफान तेज को लेकर बढ़ रही टेंशन के बाद अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग के एक अधिकारी ने दी है। IMD ने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया है कि आज रविवार को ये भयंकर चक्रवाती तूफान की शक्ल ले सकता है और ओमान के दक्षिण तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ सकता है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक IMD ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और 21 अक्टूबर सुबह तक उसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले के अनुसार इसे तेज कहा जाएगा। आशंका है कि रविवार को ये भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ओमान के दक्षिण तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ सकता है। हालांकि कभी कभी चक्रवात अपना रास्ता बदल भी लेते हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र के निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा है कि 22 अक्टूबर की शाम तक इसके भयंकर चक्रवाती तूफान का शक्ल लेने और दक्षिण ओमान और यमन तट की ओर बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा है क्योंकि चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, ऐसे में उसका गुजरात जो पश्चिम की ओर है पर कोई असर नहीं पड़ सकता। हालांकि अगले 7 दिनों तक गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा और राज्य में फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वहीं जून में अरब सागर से उठ रहे बिपरजॉय तूफान ने गुजरात में कच्छ तथा सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई थी, जो कि पहले पश्चिम की ओर बढ़ रहा था लेकिन बाद में उसने दिशा बदली और कच्छ तट से जा टकराया। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।